हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन सो गाइस हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आपका पार्ट टू ऑफ जियोलॉजी स्टैंडर्ड ट्वेल्व महाराष्ट्र बोर्ड दो ये नाम महाराष्ट्र अदरवाइज कंटेंट पूरा नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट है सो so जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सो so गाइस जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जब आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो और जो इस चैनल पर पहले से सब्सक्राइब हैं वो इस वीडियो या हमारी ये पूरी सीरीज को अपने दोस्तों में शेयर करें और ख़ुद भी लाइक करें और अपना जो भी ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं तो स्टार्ट करते हैं जैसे कि आप आप अप अपने सामने ये ग्राफ देख पा रहे होंगे सो so, ये ग्राफ में दो है एक है टेम्परेचर इन डिग्रीज और दूसरा डेफ इन किलोमीटर्स तो आप मुझे एक क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर बताओगे कि इनर कोर का टेम्परेचर रेंज कितना है ये ग्राफ को देखिए और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में करिए ताकि ये कंटेंट एंगेज रहे सो अर्थ कंप्राइजेस मेनली ऑफ सिलिकेट कंपाउंड जिसे हम मिनरल्स बोलेंगे हैविंग डेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर कंपोजिशन दैट remains स्टेबल एट अ पर्टिकुलर प्रेशर एंड द टेम्परेचर कंडीशन अब जो जियोलॉजी पढ़ेंगे या जोग्राफी पढ़ते हैं तो आप जब भी फिजिकल चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में ही सारी चीज़ों का आंसर करना होता है तो ये टर्म से यूज टू होते जाइए और इनके बीच में रिलेशन क्या बनेगा वो धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगा लेकिन अगर आपको और रिसोर्सेस मिल रहे हैं तो उसे सीखते जाइए ऐसे आप देखोगे तो जोग्राफी और जियोलॉजी दोनों बहुत सारी चीज़ों पे सेम पॉइंट शेयर करते हैं जियोलॉजी ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सिलिकेट क्या होता है ये सिलिकेट सिलिकॉन और ऑक्सीजन का कंपाउंड होता है जिसके बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स पॉसिबल हैं ठीक है तो वही वो बताने की कोशिश कर रहा है कि बहुत सारे फॉर्म में फोर् लेकिन डेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है तो जैसे कि केमिस्ट्री में इनके स्ट्रक्चर्स भी होते हैं लेकिन आप लोगों को सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कंडीशन ऑफ दी मोल्टे मैगमा टू सॉलिड रॉकस सो किसी भी मैगमा बनने के पीछे रीजन क्या होता है टेम्परेचर प्रेशर सॉलिड रॉक बनने के पीछे क्या कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर हवाओं के घूमने फिरने के पीछे रीजन क्या होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर सो मोल्टेन मैगमा इज डायनेमिक डायनेमिक मतलब क्या हो मतलब चेंज एक तो यह अपना लोकेशन चेंज करता रहता है क्योंकि मोल्टेन है मतलब क्या पिघला हुआ लिक्विड स्टेट में है ये एंड एक्सपीरियंस है चेंजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर तो घूम रहा है तो इसमें प्रेशर अलग अलग समझिए अर्थ रोटेट होती है तो इसके अंदर का जो मैगम है वो भी रोटेट होते रह रहा है तो इससे टेम्परेचर प्रेशर हमेशा चेंज होते रहता है कंडीशन ड्यू टू इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट तो कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन सो आप लोग को मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन कैसे काम करते हैं अर्थ के अंदर के सरफेस के नीचे और एयर जब मूव करता है एयर तो कन्वेक्शन और एडवेक्शन का क्या मतलब होता है ये दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए अगर आपको पता है तो प्लीज़ हमारी पिछली वीडियो जाके जरूर देखिए अदरवाइज मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूँगा तो रिपीटेटिव हो जाएगा ठीक है अब आते हैं चेंजेस इन टेम्परेचर विथ डेप्ट इज इंफ्लुएंसड बाय द कन्वेक्शन करंट दैट गवर्नस द फिजिकल मूमेंट ऑफ मैगमा तो जैसे कि कन्वेक्शन करंट क्या होता है एक सेकेंड स्टार्ट करते हैं इसको हाँ तो देखिए ये कोई है ये अर्थ है कोर में से ये कोर है यहां से अब देखिए वोलकैनो के आने के लिए बहुत सारे रीजन है को, कोई कोई थियरिस्ट बोलते हैं कि ये कोर के नीचे जो कोर के पास जो मोल्टन मैगमा है वहां से आता है कुछ लाख का कहना होता है कि थ के नीचे एस्थीनोस्फियर होता है वो हम देखेंगे आप लोग लिथोस्फियर क्रस्ट मेंटल और कोर ही सुने लेकिन भी भी होता है तो भी है तो एक लिक्विड लेयर वहां से आता है तो इसमें कोई भी एकदम बोलते हैं ना कॉन्क्रीट ओपिनियन नहीं पता है तो ये यहां से भी आ सकता है और या यहां से भी आ सकता है आता सर्फिस पे ही है तो ये वर्टिकल मूवमेंट और करंट मतलब क्या जो मूवमेंट होता है करंट मतलब क्या वाटर करंट आप बोलते हो या आप खुद जब करंट बोलते हो ना कि आपके घर में करंट बह रहा तो है तो एक्चुअली वो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का या किसी भी आयन का सो जो मूवमेंट होता है और कंटिन्यूस रहता है कंटिन्यूस मूवमेंट तो उसे करंट बोला जाता है तो ये जो मूवमेंट होता है मैग्मा का तो इसे बोला कन्वेक्शन करंट जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये देखिए कितना ब्यूटीफुल डायग्राम बनाए आप लोग के लिए तो बुक बनाने वाले ने कोशिश जरूर की है द क्रस्ट इज डिवाइडेड इंटू टेक्टोनिक प्लेट्स इंटर एक्टिंग ईच अदर टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं जैसे कि अर्थ के सर्विस में लास्ट वीडियो में बताया था कि प्लेट्स जैसे होते हैं जो मूव करते रहते हैं मेंटल इज अ जोन मेंटल क्या होता है क्रस्ट के नीचे क्रस्ट के नीचे मेंटल इज अ जोन ऑफ मॉल्टन सिलिकेट्स एंड अदर मिनरल्स मेंटल हीट ड्राइव्स कन्वेक्शन करेंट विच इज ड्राइविंग फोर्स फॉर द प्लेट्स मूवमेंट तो देखिए ये जो हमारा अगर ये अर्थ है ये क्रस्ट एक सेकेंड ये अगर क्रस्ट है तो इसके नीचे मेंटल है और मैंटल में भी से ऊपर का लेयर अस्तिर हुआ इसमें मैग्मा रोटेट हो रहा है तो ये रोटेट होने से ऊपर का ये लेयर भी रोटेट हो रहा है अलग कल से बताता हूं ये जो लेयर समझिए प्लेट्स ऐसे हैं तो ये प्लेट्स भी यहां पे भी बहुत सारे प्लेट्स हैं मेजर और माइनर प्लेट करके आपको ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ेंगे ये सब सो so, ये जो हमारा है प्लेट्स मूव होते हैं वो क्यों मूव होते हैं क्योंकि उनके नीचे जो मैग्मा है वो मूव हो रहा है अल्टीमेटली उन्हें भी मूव होना पड़ता है तो ये आंसर आपका कॉन्क्रीट करता है कि व्हाई डज द मूवमेंट ऑफ प्लेट हैपन इट हैपेन्स बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा वेयर डज इट ला इट ला इन द मेंटल द क्रस्ट इज ऑफ टू टाइप्स ओशियानिक क्रस्ट विच इज डेंसर एंड यंगर एंड कॉन्टिनेंटल इज ओल्डर थिक कर एंड लेस डेंस आप मुझे प्लीज आंसर करके बताएंगे कि क्यों ओशियन वाले को न्यू बोला है एनी ब्राइट स्टूडेंट और एनी स्टूडेंट हु नोज द आंसर प्लीज कमेंट इट अगर आप लोग तो नहीं बताओ तो नेक्स्ट सेक्शन में वैसे ही बता ही दूंगा गवर्निंग द सर्फिस डायनामिक्स ऑफ द अर्थ कन्वेक्शन कन्वेक्शन ऑल्सो फैसिलिटेट्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ द मैगमा कंपाउंड वेयर हैवियर मेल्ट कंपाउंड सिंक डीपर इन टू अर्थ मतलब क्या देखिए जब ये अर्थ आप, आप समझिए कि कोर से ही आता है ये सब तो जब ये ऊपर की तरफ आता है ना तो क्या होता है अब आपको जैसे आप लोग देखें कि किसी भी वाटर में अगर आप कुछ हैवी चीज़ों को पार्टिकल्स को डाल दो और उसे रोटेट करना शुरू कर दो घुमाना शुरू कर दो तो जो हैवी पार्टिकल हैं वो सेंटर की तरफ जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे हैवी कौन है सेंटर है अर्थ का अर्थ का समझिए बाहर का सरफेस ऐसे ड्रॉ कर दूँ तो जो हैवी मोल्टन है वो सरफेस की तरफ अरे कोर की तरफ हमेशा आएगा और जो बचा हुआ रहेगा जो सरफेस की तरफ है वो है लाइट मैग्मा ठीक है ये ध्यान रखना है आपको कि बहुत सारी चीजें आपको जाननी है इस लेक्चर में और इसका जो भी रहेगा डायग्राम वो मैं आपको बनाते चलूंगा अच्छा एक और नोट बात बताने था गाइस आप लोग को कि आपको अपने खुद के डायग्राम बनाने होते हैं इफ यू वॉन्ट टू लर्न जोग्राफी और जियोलॉजी ये दोनों में आपको चीज़ें याद नहीं रहती कि कहाँ पे मूवमेंट कैसा होता है जनरली जो बच्चे खुद का अपना थ्री इमेजिनेशन यूज़ करते हैं या डायग्राम बनाते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं चीज़ें के कॉन्सेप्ट समझने में प्लस समझाने में भी अब ये डायग्राम जो मैं सप्लीमेंट्री डायग्राम्स आपको कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते जा रहा है ये सब अब ये आपका प्रॉस्पेक्ट क्लियर करते जाता है ताकि आपके दिमाग में इमेज बनती रहे अदरवाइज़ अगर आप इमेज क्रिएट नहीं कर पा रहे तो आपको ये पूरा का पूरा जो पूरा मैं पढ़ा रहा हूँ वो लगेगा कि एक बोरिंग सब्जेक्ट है ठीक है तो याद रखना है तो एग्जाम्पल याद रखना है कि कोई भी चीज हैवी क्यों सेंटर में क्योंकि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीफ्यूगल एंड ग्रेविटेशन सेंट्रीपिटल सॉरी सेंट्रीपिटल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी हैवी चीज रहेगी वो सेंटर की तरफ ही जाएगी दिस प्रोसेस फैसिलिटेट द लेयरिंग ऑफ अर्थ वेयर कंपोजिशनल एंड टेम्परेचर स्टेबिलिटीज आर अचीव्ड मतलब क्या देखिए ये कोर है ज्यादा हैवी पार्टिकल कोर के नजदीक रहेगा तो समझिए पहली लेयर बन गई जो इससे थोड़ी हल्की है वो इसके ऊपर रहेगी अब जो इससे भी हल्की है वो भी इसके ऊपर और ऐसे हल्के हल्के करते वक्त क्या आ जाएगा इसके ऊपर अपना अर्थ का अल्टीमेट अल्टीमेट सरफेस आ जाएगा ये देखिए तो जो भी डेंस है वो सबसे नीचे है उसके ऊपर लाइट लाइट होते जाएंगे तो सरफेस से जब मैं कोर की तरफ जाऊंगा तो डेंसिटी बढ़ेगी क्यों क्योंकि अर्थ रोटेट हो रहा है और रोटेटिंग चीज में हैवी चीज हमेशा सेंटर की तरफ जाएगी और ऊपर से दो रोटेशन एक अर्थ भी रोटेट हो रहा है और ऊपर से जो करंट है मैग्मा हमेशा घूमते रह रहा है तो वो जब सेटल होगा तो वो नीचे ही आएगा दिस प्रोसेस वे वे दिस प्रोसेसेस इज वेयर मोर डायनामिक ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ द इवोल्यूशन डायनामिक मतलब जब ये बन रहा था और जब बोलते हैं ना गर्म बोलते बोलते लावा था तो उस टाइम पे जो सेटलमेंट होता ना बहुत तेजी से और बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा था अब क्या है अर्थ थोड़ा मच्योर हो चुका है अब चेंजेस जो स्लो होते हैं अब आप लोग ऑलरेडी जान चुके हो कि जितने पेस में क्योंकि उस टाइम पे पार्टिकल्स को हैवी लाइट सेग्रीगेट करना अर्थ के लिए इजी था फटफट फटो जो हैवी, हैवी वाले तो उसको सेंटर में रखतेगा और लाइट वाले को अपने आप अरेंज कर देगा अब क्या है अब हैवी बहुत आ चुके हैं ऑलरेडी अब उसमें भी हैवी को धीरे धीरे सेग्रीगेट करना है इसलिए अब ये मच्योर बोलते हैं कि ये अब सेटल हो चुका है हैवियर है एलिमेंट्स लाइक फेरस एंड निकल सैंक टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ फॉर्मिंग द इनर कोर कोर जैसे हम बताया था दो कोर होते हैं इनर कोर एंड आउटर कोर नाम में ही है सबसे अंदर होता है इनर कोर उसके ऊपर रहता है आउटर कोर इसके बाद रहेगा मेंटल और उसके बाद है क्रस्ट ऐसे मेंटल भी खुद बहुत पार्ट्स में डिवाइड है तो इनर कोर आपको बता देते हैं कोर इज डिवाइडेड इनटू इनर एंड आउटर कोर डे वन से बोल रहा हूं लेक्चर की यह सब में. और आपको इतनी बार बोलूंगा कि आप लोग को रिवाइज हो जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर स्टेबिलिटी कंडीशंस ऑफ द फेरस निकल इंपॉर्टेंट है अगर पूछे आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते कि बताइए कि कहाँ पे कौन से पूछेंगे इनर कोर में क्या है कौन सा एलिमेंट है तो आपको याद रखना है कि फेनी फेनी ठीक है कंपाउंड्स वेर इन प्रेशर इंक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फेरस निकल कंपाउंड्स मेकिंग द इनर कोर टू रिमेन सॉलिड तो क्या प्रेशर जैसे जैसे ज्यादा बढ़ता है तो वैसे वैसे इनर कोर क्या होता है सॉलिड है लोअरिंग ऑफ द प्रेशर एट अबाउट 5,100 किलोमीटर रिजल्ट्स इन मेल्टिंग ऑफ फेरस निकल मैटर टू प्रोड्यूस लिक्विड आउटर कोर देखिए ये इनर कोर है इनर कोर पूछते हैं सॉलिड क्यों है इसके सॉलिड होने का रीजन है कि प्रेशर बहुत ज्यादा है अब प्रेशर जब समझिए ये देखिए प्रेशर समझाते है समझिए ये मॉलिक्यूल्स हैं ये ऐसे घूम रहे हैं अब इनको प्रेशर अप्लाई कर दो चारों तरफ से तो ये क्या नजदीक आ जाएंगे ना ट्रेन में अगर जो ट्रैवल करते हैं मुंबई के लोकल ट्रेन में जैसे प्रेशर कम मतलब बाहर से कोई आ नहीं रहा है लोग खुले में आराम से जैसे अंदर ज़्यादा लोग चढ़ते हैं लोग चिपक जाते हैं अपने आप तो प्रेशर हमेशा नजदीक लाता है तो देखिए इसलिए जो इनर कोर है वो सॉलिड है लेकिन प्रेशर थोड़ा कम रहता है ऊपर की तरफ तो आउटर कोर कोर में दो जो आउटर कोर है वो लिक्विड है बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कोई बोलता है इनर कोर मतलब जो अर्थ का कोर है सॉलिड है और कोई बोलता है अर्थ का कोर लिक्विड है आपको ध्यान रखना है कि इनर कोर सॉलिड है आउटर कोर लिक्विड है क्यों प्रेशर टेम्परेचर की वजह से दूसरी चीज़ रेडियो एक्टिव मटीरियल भी हैं जो इसे पिघलाते रहते हैं मतलब रेडिएट करते हैं इसको तोड़ते रहते हैं तो इसको दूर दूर प्रेशर कम करते हैं जिससे ये दूर दूर भागे रेडिएशन क्या होता है देखा एनर्जी है समझिए आप देखेंगे कि रेडिएशन जैसे अगर आग लगाएं किसी तो कैसे होगा मॉलिक्यूल दूर दूर भागना शुरू कर देते हैं जैसे कि पानी गर्म कर रहे हो तो पानी उड़ के दूर भागना शुरू हो जाता है उसी तरह से रेडिएशन मतलब क्या ये अर्थ का ये कोर है यहाँ पे पार्टिकल यहां भी पार्टिकल हैं पूरे लेकिन क्या है रेडिएक्टिव मटेरियल है तो रेडिएट कर रहे हैं वो तो इससे क्या है मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े दूर होते जा रहे हैं एनर्जी मिल रही है ना उनको रेडिएशन से रेडिएशन क्या है एनर्जी पानी बॉइल होता है तो एनर्जी कौन देता है हम लोग जो गैस और स्टोव यूज करते हैं लकड़ी जो भी उससे तो वो दूरते हैं एनर्जी से क्या पार्टिकल दूर होते हैं एनर्जी बढ़ी कैनेटिक एनर्जी बढ़ेगी अल्टीमेटली मॉलिक्यूल्स दूर भागेंगे द आउटर कोर बीइंग लिक्विड इज देयर फॉर मोर डायनामिक तो लिक्विड तो भाई देखिए कितना होता है हमेशा अच्छा लगता है तो आप लोग कहीं पानी लेके हमेशा अच्छा लगता रहेगा बाल्टी में इसी तरह से ये भी समझिए ज्यादा चेंज ला सकता है द कन्वेक्शन करंट क्रिएटेड आर सपोज टू जनरेट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मैंने पहले लेक्चर में बोला था कि ये जो रहता है यही जो चेंज हो रहा है इससे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है देखिए ये है कोर इसके बाहर ये लिक्विड का है अब ये समझिए पूरा अर्थ है तो ये क्या हो रहा है समझिए ये पूरा हिलता डुलता रहता है जो मैग्मा है यहाँ का वो हिलता डुलता रहता है इसे और इसी दौरान ये ऊपर आने की भी कोशिश करता है तो ये मूवमेंट के वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है जानते जैसे मैग्नेटिक मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये इस तरह से और यही हमको बचाता है टॉम से मैग्नेटिक फील्ड न होती तो बहुत सारे फेनोमेना नहीं होते अर्थ पे ठीक है इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर इज ऑप्टेड इनडिरेक्टली देखिए अब कोई बच्चा बोलिया कि भाई इतने कोर में कौन गया है जहां पे इतना ज्यादा हीट है तो जी ऐसे नहीं पता चलता हमको पता चला है सिज्मोलॉजी से सिज्मोलॉजी क्या होती है देखिए बता देता हूँ अब भी आपको सिज्मोलॉजी में ये अर्थ का कोर है और यहाँ पे अर्थ का सरफेस समझ लीजिए तो यहां से जो अर्थ को एक जवाब मतलब जब ये ये प्लेट्स है अर्थ के अंदर समझे ऐसे प्लेट्स रहते हैं ये ऐसे जुड़े हुए थे अचानक से यहाँ पे चेंजेस अर्थ घूमती रहती चेंजेस थी। ये क्या हो ये टूट जाए मतलब थोड़े से मूवमेंट कर दे तो ये जो पोटेंशियल जब चीज कोई स्टेबल होती है स्टेबल चीज के अंदर होती है पोटेंशियल एनर्जी ठीक है अब पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट की जा सकती है कानेटिक तो समझिए ये अपने मूवमेंट से थोड़ी सी नीचे आ गई थोड़ी सी ऊपर तो हिल गई तो ये ऐसे हो गया थोड़ा सा इनके बीच में दरार आ गया अब क्या होता है ये इतना ज़्यादा तेज़ काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि वो अर्थ के सरफेस तक आने लगती है तो ये काइनेटिक एनर्जी मतलब मॉलिक्यूल घूमने लगते हैं अब मैग्मा नहीं ये वेव्स आ रहे हैं सिर्फ ऐसे वेव जनरेटर लगती है तो अर्थ क्वेक की रीडिंग इसी से की जाती है तो हर जगह कहाँ पे यहाँ पे ना इंस्ट्रूमेंट लगाए रहते हैं इंस्ट्रूमेंट लगाए रहते हैं सो so, इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कहीं कहीं पे रीडिंग्स नहीं आती हैं तो उसे बोलते हैं मतलब रीडिंग्स नहीं दिखाई देती तो उसे बोलते हैं शैडो जोन समझे इतने जोन में ये एंगल डिसाइड है अर्थ को एक जब पॉइंट आएगा तो बताऊंगा समझे इतने में नहीं आता तो साइंटिस्ट बैठ के बोले अरे यहाँ पे फील हुआ यहाँ पे क्यों नहीं आया अब बहुत सारे वेव्स इसमें भी टाइप रहते हैं पी वेव ये सब हम देखेंगे तो जब शेडो जोन बना तो वो लोग बोले भाई अर्थ के नीचे कुछ तो मिस्टेक मतलब कुछ तो गड़बड़ है तो उनको क्या मालूम पड़ा कि शायद से कोई लिक्विड लेयर है जो वो वेव को ना रोकती है फिर मालूम पड़ा कि ये कोर के अंदर वाले कोर के बाहर एक लिक्विड लेयर होगी जो ये सब रोक रही है और बार 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 पढ़ाई करके मालूम पड़ गया हमको अभी तक कि ये अंदर एक लेयर लिक्विड की भी है इसे बोलते हैं सिज्मोलॉजी सिज्मोलॉजी क्या होती है जो सिज्मिक वेव होते हैं व्हाट इज सिज्मिक वेव सिज्मिक वेव मतलब जो अर्थ के अंदर से प्रोड्यूस हुई वेव है वेव क्या होती है यही जो पोटेंशियल एनर्जी थी ना जो मॉल्यू ये प्लेट्स मतलब प्लेट्स मतलब ये जो हमारे रॉक्स थे क्रस्ट के मतलब क्रस्ट बोला कोर के पास या कहीं पे भी अर्थ में कहीं पे भी कहीं पे भी हो पूरे अर्थ के अंदर तो वह ऐसे जुड़े हुए थे लेकिन अचानक से उनके अंदर मूवमेंट से ये टूट गया टूट गया ऐसे तो अचानक से कैनेटिक एनर्जी या कैनेटिक एनर्जी सर्फेस तक आती है और वही अर्थ को का फॉर्म ले लेती है तो देखिए आप लोग सब लोग परेशान होते हैं कि हर्ट है, के लेकिन साइंटिस्ट लोग और भी जानते थे इसी बहाने वो लोग पढ़ाई कर लेते हैं अर्थ के अंदर की सो so, ये है सिज्मोलॉजी द मैग्नेटिव फील्ड जनरेटेड बाय द अर्थ कोर प्रोटेक्ट इट सर्फिस फ्राम दी सोलर विंड बोल रहा था अब भी थोड़ी देर मैंने पहले बात बताई कि कैसे देखिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आपको पर्पल कलर में दिख रहा है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और सोलार विंडार फ्लेयर और सोलार फ्लेर क्या होता है जो राउंड राउंड बनता है इसी को स्टडी करने के लिए भारत का आदित्य मिशन है ठीक है और यूएस का पार्कर सो मीन्स दैट दैट आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस potentially harmful charged चार्ज पार्टिकल्स विदाउट द मैग्नेटिक फील्ड द अर्थ वुड बी एन इनहॉस्पिटेबल प्लानट मतलब रह नहीं सकते हैं ठीक है तो गाइज इसके बाद जब डिटेल में पढ़ना है हमको तो इनर को आउटर को डिटेल में पढ़ना है वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सो so, अगर आप लोग को ये हमारी सीरीज पसंद आ रही तो प्लीज़ पहले तो क्वेश्चंस के आंसर करिए और दूसरी चीज़ इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए मेक इट कि बहुत ज्यादा लोग इसे देख पाए और फिर हमें बता पाएं कि कैसा लग रहा है और हमें जो चेंजेस करने की जरूरत है वो चेंज हम भी लाएंगे तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड